विधायक सुधाकर कोले पाटिल ने रविवार को नागपुर जिला ग्रामीण भाजपा जिला अध्यक्ष का पद संभाला। इस दौरान केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विदर्भ संभागीय संचालक डॉक्टर उपेंद्र कोटेकर, भाजपा जिला प्रभारी चैन सुख संचेती, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद गजबिये की प्रमुखता से उपस्थिति रही। इस अवसर पर भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज की भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर बनी पार्टी है। काम का आनंद लेने के लिए आपको किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अंत्योदय की सोच को लेकर समाज तक पहुंचने की अपील की। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में भाजपा गठबंधन की सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने दोनों सरकारों की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करने तथा आने वाले समय में जिले के सभी विधानसभाओं में भाजपा महागठबंधन का झंडा गाड़ने का संकल्प लेने की भी अपील की। जिलाध्यक्ष सुधाकर कोले ने इस पद की जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में काम कर भाजपा का विस्तार करने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति ने भी मार्गदर्शन किए। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।